चित्र वर्णन। बच्चों, आज हम आपको चित्र का वर्णन करने की विधियां बताएंगे। ध्यान देने योग्य कुछ बातें। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए, तत्पश्चात निम्न प्रश्नों के उत्तर से लेखन की शुरुआत कीजिए। चित्र कहाँ का है? चित्र में कौन कौन है? चित्र में क्या क्या हो रहा है? चित्रलेखन सदा वर्तमान काल में ही लिखा जाता है। वाक्यों के अंत में है, रहा, रही है आदि का प्रयोग होना चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य भी सरल और छोटे होने चाहिए। अंत में अपने विचार जरूर लिखिए। अब इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। बच्चों, इस चित्र को देखकर ही लगता है कि यह एक गांव का चित्र है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, कई प्रकार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, दो औरतें आग सेंकती हुई दिखाई दे रही हैं, एक आदमी घड़े में पानी लेकर आ रहा है, एक नदी भी बहती हुई दिखाई दे रही है। तो बच्चों, अब हमें इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि यह कहाँ का चित्र है। उसके बाद हमें उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं जो हमने चित्र में देखा है। तो अब हम चित्रलेखन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह एक गांव का चित्र है। यह चित्र एक गांव का है। गांव में छोटे छोटे घर हैं। घर के आसपास कई प्रकार के वृक्ष हैं। घर के पास एक नदी बह रही है। नदी का पानी बहुत स्वच्छ है। एक आदमी घड़ों में पानी भरकर ला रहा है। दो स्त्रियां आग के पास बैठी हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ठंड पड़ रही है। और अंत में चित्र को देखकर आपके मन में क्या विचार आया, इसका उल्लेख होना चाहिए। जैसे, यह गांव स्वच्छ और हरा भरा है। हमें भी अपने शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखना चाहिए। अब आप इसे एक अच्छा सा शीर्षक दे दीजिए। जैसे मैंने इस चित्र का शीर्षक सबसे सुंदर मेरा गांव दिया है, ऐसे ही आप भी कोई अच्छा सा शीर्षक चुनकर दे सकते हैं। इस तरह आप चित्रलेखन को समाप्त कर सकते हैं।